सच है तो दिखेगा। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्याम मेटालिक्स। विश्व महिला दिवस पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू बनी न्यूज 11 भारत पर विशिष्ट अतिथि संपादक, कहा आधी आबादी की स्थिति पहले से हुई बेहतर, नारी अबला नहीं। महिला दिवस पर धनबाद रेल मंडल प्रबंधन की अनोखी पहल, परिचालन से लेकर स्टेशन पर प्रबंधन की महिलाओं को दी जिम्मेदारी। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने सदन में उठाया झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को दुमका जेल शिफ्ट करने का मामला, स्पीकर ने मंत्री से संज्ञान लेने का नियमन दिया। धनबाद की गोल्डन गर्ल ममता टुडू मुफलिसी की जिंदगी जीने को मजबूर, सड़कों पर झालमुड़ी बेच रही है नेशनल खिलाड़ी, 2009 में अंडर 13 तीरंदाजी में जीता था गोल्ड मेडल। और चतरा में टीपीसी के दो इनामी उग्रवादियों ने किया सरेंडर, भारी मात्रा में हथियार बरामद, तो हजारीबाग में व्यवसायियों से उगाही करने वाला टीपीसी उग्रवादी गिरफ्तार। हेडलाइंस के प्रायोजक थे श्याम मेटालिक्स। नमस्कार, अपना कोयलांचल देख रहे हैं आप, आपके साथ हूं मैं राजदा। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को धनबाद से दुमका जेल शिफ्ट करने के मामले को धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने सदन में उठाया। राज सिन्हा ने कहा है कि कोर्ट की अवमानना का मामला बनता है। सदन में उठे इस सवाल पर स्पीकर ने मंत्री को संज्ञान में लेने का नियमन दिया। साथ साथ ये उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय का भी मान का सवाल है, यह पार्टी लाइन से ऊपर हट करके देखना होगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने आदेश दिया क्या उनको धनबाद में रखने के लिए, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद इनको दुमका सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया गया। फिर जब माननीय जिला न्यायालय ने आदेश दिया कि नहीं इमीडिएट इनको धनबाद लाया जाए, उसके बावजूद आज 11 दिन हो गया उनको सुरक्षा के नाम पर नहीं लिया जा रहा है। और इसलिए मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया कि यह सदन के यह उच्च न्यायालय न्यायालय के भी का अवमानना तो है ही है कि ये अभी कृषि बिल पर इस सदन के अंदर चर्चा करने का क्या अधिकार है क्या? वह कृषि विधेयक अब कानून बन चुका है और उसको आप कृषि एवं महंगाई पर भले चर्चा कीजिए, लेकिन कृषि बिल पर चर्चा करने का आपको ये नहीं है। आप गलत तो गलत बोले, फिर अध्यक्ष ने स्वीकार किया कि यह मिसप्रिंट हो गया है। तो यह कार्यप्रणाली है विधानसभा की। और बड़ी खबर धनबाद से, जहां सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। धनबाद अंचल आम घाटा मौजा खाता नंबर 28 प्लॉट नंबर 187 का मामला है। प्लॉट 187 के कब्जेधारियों पर कार्रवाई होगी। कुल 74 कब्जाधारियों में 30 ने जमा कराए हैं दस्तावेज। मंगलवार को 44 कब्जेधारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बुधवार 9 मार्च को चलेगा प्रशासन का डंडा। सीओ की रिपोर्ट पर एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने जनसंपर्क विभाग को निर्देश दिया है। तो बड़ी खबर धनबाद से आपको बता रहे हैं, बुधवार 9 मार्च को प्रशासन का डंडा चलेगा। सीओ की रिपोर्ट पर एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने जनसंपर्क विभाग को यह निर्देश दिया है। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। और इधर चंदन क्यारी की खबर आपको बताया, जहां मुख्य सड़क पर हुए हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। सड़क पर कलवर्ट रिपेयरिंग हो रही थी और गड्ढे में गिरने से मौत हुई है। चंदन क्यारी थाना क्षेत्र की बड़कामा की यह घटना है, जहां सड़क पर कलवर्ट रिपेयरिंग में हो रहे गड्ढे में गिरने से एक शख्स की मौत हो गई है। मुख्य सड़क पर हुए हादसे में बाइक चालक युवक की मौत हुई है।
और अब बात कर ले धनबाद के केंद्रों में जिला कांग्रेस पार्टी ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार का पुतला फूंका है। कृषि कानून, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम का विरोध किया गया, साथ ही सरकार से जल्द बढ़ते दाम पर लगाम लगाने की मांग की गई। और आगे बात करें, महिला दिवस पर धनबाद रेल मंडल प्रबंधन ने अनोखी पहल की है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर धनबाद रेलवे स्टेशन को महिलाओं के हवाले कर दिया गया, जिनके इशारे पर रेलगाड़ियों का परिचालन किया गया। और इसके अलावा महिलाओं ने रेलवे के कार्य से संबंधित सारी जिम्मेदारियां संभाली। मंडल रेल प्रबंधक के महिलाओं के मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महिला दिवस पर धनबाद रेल मंडल की कमान पूरी तरह से महिलाओं के जिम्मे रही। रेलवे स्टेशन में टिकट काउंटर, रिजर्वेशन काउंटर जैसी कई विभागें पूरी तरह महिलाओं के कमान में रही। महिलाओं को सम्मान में रखा गया है, सब अपना जिम्मेवारी से निभा रही हैं। अच्छा लग रहा, जहाँ देखे वही महिला। सब विभाग में महिलाएं काम कर रही है और पूरी क्षमता और पूरे ईमानदारी से काम कर रही हैं। आज महिला दिवस के अवसर पर भी ऐसा ही हम लोग प्रबंध किए हैं कि जहाँ जहाँ महिलाएं हैं उनको आज खासकर काम करने का मौका दिया जाए। और इस क्षेत्र में हमारा आरपीएफ महिला कांस्टेबल, आरपीएफ के इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और ये हमारा स्टेशन मास्टर, प्यून, पोटर, टीटी, ये सारे विंग को हम लोग लगाए हुए हैं। हमारे यहाँ से विशेष गाड़ी चलती है, उसमें महिला गार्ड, महिला ड्राइवर, महिला टीटी और महिला आरपीएफ कांस्टेबल। धनबाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से रैली निकाली गई। रैली को समाहरणालय परिसर से उप विकास आयुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समाहरणालय से निकलकर रैली गोल्ड मैदान पहुंची। ग्राउंड में लोगों को संबोधित करते हुए महिलाओं ने महिलाओं का सम्मान करने और घरेलू हिंसा बंद करने की अपील की। एक दिन के लिए सिर्फ महिला दिवस मनाने का सिर्फ एक मार्च को मनाए ऐसा नहीं है, ये हर दिन चलने वाला है। और महिलाओं को सशक्त, एक दिन के लिए ये प्रतीक है कि हम महिलाएं सशक्त हैं और सशक्त हो रही हैं। सिर्फ एक दिन करने से महिलाएं सशक्त नहीं होगी, निरंतर इसको चलते रहना पड़ेगा और पुरुषों की इसमें सहभागिता अवश्य आवश्यक। महिलाओं को अपने लिए खुद खड़ा होना होगा, तभी पूरा उनका कोई मदद कर पाएगा। जब तक वो खुद में स्ट्रांग नहीं होंगी तब तक पूरा समाज या कोई भी उनका मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए महिला दिवस के समय पे मैं महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि आपके साथ कोई भी हिंसा हो रही है, किसी भी तरह का अपराध हो रहा है, आप पहले खुद को स्ट्रांग कीजिए और स्ट्रांग होकर उसके अगेंस्ट में आप बोलिए, उसके अगेंस्ट में आप आगे बढ़िए, तब आपको सबका समर्थन मिलेगा और आप सशक्त खुद को महसूस करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कोयलांचल के अलग अलग शहरों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हम आपको एक साथ 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर धनबाद के केंदुआ की है, जहां झारखंड जेडीयू की महिला प्रदेश अध्यक्ष ने बिहार की तर्ज पर महिलाओं को 50% आरक्षण की मांग की। दूसरी तस्वीर बेरमो की है, जहां महिला दिवस पर सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया। वहीं तीसरी झरिया की है, जहां महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं रोटरेक्ट क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर युवा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पांचवी तस्वीर पत्रादू की है, जहां महिला दिवस के मौके पर वार्षिक आम सभा आजीविका संगठन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छठी तस्वीर राजधनवार की है, जहां भाकपा माले की महिला इकाई एपवा ने मार्च निकाला। सातवीं तस्वीर जो है वो हजारीबाग की है, जहां जिला समाज कल्याण की ओर से नवजन्मी बेटियों की माताओं को सम्मानित किया गया। वहीं आठवीं तस्वीर गोमिया की है, जहां अनाथ दीनहीन महिलाओं के साथ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
उधर रजरप्पा कुंदरू कला पंचायत भवन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि समाज सेवी सुनीता चौधरी और गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि धनेश्वर महतो ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर सुनीता चौधरी ने कहा है कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाना आजसू की पहली प्राथमिकता है। इसके लिए आजसू महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सिलाई कढ़ाई कंप्यूटर प्रशिक्षण सहित कई कार्यक्रम की जा रही है। रामगढ़ आप लोगों के बीच में चल कर आए उपस्थित जय। और अब हम बात करते हैं धनबाद के गोल्डन गर्ल ममता टुडू की, जिसने साल 2009 में विजयवाड़ा में हुई अंडर 13 तीरंदाजी में नेशनल चैंपियन में अवार्ड गोल्ड मेडल हासिल किया था। लेकिन ममता आज मुफलिसी की जिंदगी जीने को मजबूर है। ममता के परिवार की आर्थिक स्थिति खराब रहने की वजह से उसे अब झालमुड़ी बेचकर गुजारा करना पड़ रहा है। आखिर क्यों एक गोल्डन गर्ल सड़कों पर झालमुड़ी बेचने को मजबूर है, देखिए इस रिपोर्ट में। जिस 13 साल की उम्र में लड़कियों के हाथों में गुड्डे गुड़ियों का खिलौना हुआ करते हैं, उस उम्र में ममता टुडू तीर धनुष से खेला करती थी। धनबाद मुख्यालय से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है संथाल टोला। यहाँ ममता टुडू अपने माता पिता और छोटे भाइयों के साथ रहती है। ममता को बचपन से ही तीरंदाजी का शौक था। पिता ने बांस से बने तीर धनुष उसे दिए और उसी से ममता ने तीरंदाजी शुरू की। देखते देखते वो धनुर्विद्या में निपुण हो गई। जब ममता महज 13 साल की थी तो उसने विजयवाड़ा में अंडर 13 राष्ट्रीय चैंपियनशिप में शामिल होकर गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद ममता रांची एक्सलेंसी में रहकर अभ्यास कर रही थी, लेकिन कोरोना काल में वो बंद हो गया, जिसके बाद उन्हें वापस अपने घर लौटना पड़ा। यहाँ आने के बाद घर की आर्थिक स्थिति देखकर उससे रहा ना गया और वो परिवार की जिम्मेदारी निभाने में जुट गई। और ममता के जो हाथ कभी निशाना साधा करते थे, उन्हीं हाथों से वो झालमुड़ी बेचने लगी। लॉकडाउन के कारण बंद है। कितने महीने से बंद है? वही मार्च से ही बंद हो गया था, स्टार्टिंग लॉकडाउन से बंद है। आर्थिक स्थिति के परेशानी के कारण ही हम ये सब कर रहे हैं, झालमुड़ी वगैरह बेच रहे हैं, कि घर का प्रॉब्लम भी स्थिति भी वैसी ही है। तो आर्थिक स्थिति यही है मेरा कि सहायता मिले आर्थिक स्थिति का। आगे हम अंतर्राष्ट्रीय भी खेलना चाहते हैं, पर घर का स्थिति यह है कि बहुत कठिनाई से चल रही है। मीडिया में खबरें प्रकाशित होने के बाद ही सही, अब ममता को सेल कंपनी बोकारो की ओर से डे बोर्डिंग आर्थिक सेंटर में बतौर कोच की नौकरी मिली है, जिसको लेकर उनके परिजनों ने कंपनी का आभार जताया और सरकार से अपील भी की है कि अन्य गरीब बच्चों पर भी इसी तरह से नजरें इनायत होती रहे। लास्ट फरवरी में एक तारीख को ज्वाइनिंग मिला है सेल बोकारो में, और वो पहले मतलब इंटरव्यू दे चुके थे, और इसके लिए एक्सलेंसी के सर जो है बताए हैं। प्रॉब्लम में हम थे, स्थिति खराब था और उसी कारण हम झालमुड़ी बेच रहे थे, तो सर लोगों को पता चला तो सर लोग न्यूज में दिए, तो इसी कारण आगे का ये काम बढ़ गया। कैसे हो रहा है कि मेरे बच्चे इस तरह नौकरी जीवन में हुआ है, तो हम लोग का इसलिए हम बोल रहे थे बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इसी तरह मैंने दूसरा को भी बेटे को भी इसी तरह तो सीखिए बढ़ेगा पढ़ेगा, वो भी ममता मिसाल है समाज की उन बेटियों के लिए जो आगे आकर कुछ करना चाहती है। जरूरत है ऐसी व्यवस्था बने जहां प्रतिभाओं को कुहार नहीं लगाना पड़े, बल्कि रोजगार की राह उनके दरवाजे तक खुद पहुंचे। न्यूज 11 भारत के लिए धनबाद से अरुण बंडवाल की रिपोर्ट। तो खबरें भी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
भारत न सिर्फ आप तक सबसे तेज और सटीक खबरें पहुंचाता है बल्कि समाज के जरूरतमंद लोगों की आवाज भी बनता है। कोनिका लायक एक ऐसी महिला निशानेबाज जिसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक राइफल की जरूरत थी, लेकिन आर्थिक मजबूरी के वजह से कोनिका के सपनों पर पहरा लगा रखा है था और न्यूज 11 भारत कोनिका की आवाज बनकर लोगों के बीच गई और आज कोनिका की मदद के लिए सैकड़ों हाथ आगे आ चुके हैं। रिपोर्ट देखें। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, ये कहावत यूं ही नहीं गाड़ी गई होगी। हिम्मत करते हैं तो खुदा भी रास्ता दिखाता है। कम से कम धनबाद की कोनिका लायक के मामले में तो ऐसा ही हुआ, क्योंकि इस राइफल शूटर के पास जज्बा भी था, जुनून भी था, हिम्मत भी थी, उम्मीद भी थी, बस नहीं था तो राइफल खरीदने के लिए पैसा। न्यूज 11 भारत को जैसे इस बात की जानकारी मिली, हमने इस खबर को दिखाया। हम चाहते तो कोनिका की मदद भी कर सकते थे, उसे राइफल दिला भी सकते थे, लेकिन हमें एहसास कराना था सरकार को, समाज को, कि राज की खेल प्रतिभाओं के साथ आखिर ऐसा होता क्यों है। बहरहाल खबर दिखाए जाने के बाद कोनिका लायक की मदद के लिए कई हाथ आगे बढ़े, जिसकी शुरुआत हुई धनबाद की संकल्प संस्था की ओर से। इस संस्था के जरिए झरिया के व्यवसायी सुमित खेतान और उनकी पत्नी नेहा खेतान ने कोनिका को 51,000 की आर्थिक मदद दी। को ये फेसबुक में डाले थे तो इसके द्वारा मालूम चले कोनिका जी जो अनुराग नंबर रहती है। और सबसे पहला अच्छा दिन आज महिला दिवस है। सुमित जो मेरा दोस्त है, ये अपने हाथों से इनका जो 51,000 अपना तरफ से दिया गया और इनका जो भी था आज से सब खत्म हो गया है। मतलब जितना इनको जरूरत था पूरा हो गया। मैं पूरे टीम, सौरभ जी भी लगे हुए थे, सोनू जी भी लगे हुए थे, मैं हम लोग यही, कोई भी चीज़ बड़ा नहीं होता है। आज बढ़ चढ़ कोयला माफिया धनबाद में कितना बड़ा बड़ा कोयला माफिया है, कोई आगे बढ़ के आए, एक व्यवसायी बढ़ के सामने आया है। पैसा सबके पास है, दिल होना चाहिए, ठीक है। पैसा तो सब कमाता है, बोले दिल वैसा नहीं होने। आज ये अपना काम धंधा छोड़ के ये उनके वाइफ आई, इनको मदद की है, ये तो अपना काम में जा सकते थे, तो इनका दिल होना चाहिए। जरूरत थी वो तो हमें सब चीज के जरूरत जरिए, न्यूज हो, मीडिया हो, सबके जरिए पता चली। हम, मेरे हस्बैंड ने बताया, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया। और क्योंकि कहीं ना कहीं एक लिंक हमारा हो जाता है कुछ की, हम लोग सामाजिक तो है ही कुछ, हम जब इस चीज के ऊपर में फोकस करें कि जिसको जरूरत है उसके ऊपर ध्यान देनी चाहिए। हम लोग जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, इतना डोनेट करते हैं, पर वो डोनेशन सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा है उससे बढ़कर होता है। जिस इंसान का हमें पता है इसे मदद की जरूरत है उसको मदद नहीं करते ये सोच के कि पता नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये बंदा नाटक कर रहा है, पर इनका तो साफ दिख रहा था। यहीं पर मदद करना ज्यादा जरूरी है, इससे बढ़कर भगवान कोई नहीं है। भगवान धरती पे है या नहीं, यही भगवान है। कोनिका को कई समाज सेवी और उद्यमियों की ओर से सहयोग दिया गया है और अब उसके पास राइफल खरीदने भर की राशि भी इकट्ठा हो गई है। अब वो अपनी प्रैक्टिस दोबारा शुरू कर पाएगी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा भी ले पाएगी। मीडिया और समाज से मिले इस सहयोग पर कोनिका और उसके घर वाले आभार प्रकट करते हैं। अब पूरा हो चुका है और मैं नेहा मैम को और सुमित सर को और विवेक भैया, सौरभ भैया, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि मेरी इस लक्ष्य को पूरा करने में जो मेरी आर्थिक परेशानी आ रही थी उन लोगों ने बहुत मदद करके और मेरी हौसला को बढ़ाया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कोनिका के लिए इससे बड़ा तोहफा भला क्या हो सकता था कि अब वो अपने सपने पूरा कर पाएगी, अपना प्रदर्शन फिर से दोहरा पाएगी और समाज को गर्व करने के लिए फिर से कई पल दे पाएगी। न्यूज 11 भारत भी कोनिका को उसके उज्जवल भविष्य के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देता है, क्योंकि कोनिका से हमारी उम्मीदें जुड़ी हैं, क्योंकि उससे हमारी उम्मीदें जुड़ी हैं। कोनिका तुम इस पर हर हाल में खड़े उतरना और निशाना तो गोल्ड पर ही साधना। न्यूज 11 भारत के लिए धनबाद से अरुण बंडवाल की रिपोर्ट। तोपचांची के मानतांड चौक पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने सड़क पार कर रहे बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। टक्कर इतने जबरदस्त थी कि बाइक सवार का शरीर दो टुकड़ों में बट गया। तोपचांची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक मृतक शंकर मंडल तोपचांची के चलकारी में सरकारी शिक्षक के पद पर कार्यरत थे और स्कूल से घर लौटते वक्त ये हादसा हुआ।
और चित्र में प्रतिबंधित टीएसपीसी संगठन से जुड़े दो उग्रवादियों ने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने वालों में एक 10 लाख का इनामी जोनल कमांडर रघुवंश गंजू और दूसरा 1 लाख का इनामी जोनल कमांडर लक्ष्मण गंजू है। दोनों ने समाहरणालय स्थित एसपी कार्यालय में डीसी दिव्यांशु झा और एसपी ऋषभ झा की मौजूदगी में सरेंडर किया। इस दौरान सीआरपीएफ 190 बटालियन के कमांडेंट पवन कुमार बासन और एसडीपीओ अविनाश कुमार भी मौजूद रहे। सरेंडर करने वालों में पुलिस के सुपुर्द पॉइंट 303 बोर राइफल, मैगजीन एमएम 200 राउंड जिंदा कारतूस, एक एसएलआर 7.62 एमएम 145 जिंदा कारतूस, 3 एसएलआर मैगजीन और वर्दी भी शामिल थी। टाटीझरिया इचाक बरकट्टा दारू में छोटे बड़े व्यवसायियों को टीपीसी उग्रवादियों संगठन के नाम पर डरा धमकाकर पैसे की उगाही करने की शिकायत पर हजारीबाग पुलिस ने इचाक थाना क्षेत्र से एक उग्रवादी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है और इसके अलावा घटनास्थल से भागे एक और सदस्य को भी गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 कार्बाइन और कई कारतूस बरामद किए गए हैं। और कोयलांचल की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।